आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मिजोरम में एनपीपी की स्थापना की जाएगी। मेघालय के उप मुख्यमंत्री तथा एनपीपी उपाध्यक्ष प्रेस्टन टिंगसंग ने कल ये बात कही। प्रेस्टन टिंगसंग ने गृह मंत्री आर लार्जिलियाना से भी उनके आइजॉल स्थित निवास जाकर मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह एक अनौपचारिक व्यक्तिगत दौरा था। टिंगसंग ने बताया कि मिजोरम में एनपीपी की स्थापना कोर कमेटी के सुझाव से होगी और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि एनपीपी मिजोरम में किसी भी पार्टी से चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी। We want to protect our own tribes, the tribal northeastern states that we have. And number two, maximum states are known as Christian states in the north. We all out to preserve, to protect, and we will go all out for the interest of the united northeastern states. And beyond northeastern states, again, we are all out to protect the interest of our tribal in different states throughout the nation. एक साल पहले पूर्ण प्रशिक्षण हासिल कर चुके असम के हैलाकांदी जिले के कम 30 पुरुष शरणार्थियों को असम राइफल्स ने ड्राइविंग लाइसेंस बांटे हैं। कुमारघाट सब डिवीजन के अंतर्गत राधानगर हेडक्वार्टर में लाइसेंस वितरण समारोह का आयोजन किया गया। 30 अगस्त 2017 को असम राइफल्स ने 40 लोगों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेने के लिए चुना था और प्रशिक्षण समाप्त होने पर लाइसेंस बांटे गए हैं। लाइसेंस दिलाने में विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि असम सरकार पुलिस वेरिफिकेशन समय पर नहीं करवा पाई। 40 लोगों में से 10 लोग अपनी आजीविका के लिए अन्य रोजगार तलाश चुके हैं। अगर आज करीमगंज और हैलाकांडी की बात करें तो वहाँ पे दो ग्रुप तो सरेंडर के प्रोसेस में आ ही चुके हैं और ये बात चल रही थी कि ये वही ग्रुप है जो बेसिकली रियांग कम्युनिटी वाले ग्रुप हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेवलपमेंट का है, तो क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई उनका जरिया नहीं था इनको अपने लिविंग डेली लिविंग को अर्न करने का, तो इसलिए बहुत सारा इनमें रोष पैदा हो जाता है। उसी को मद्देनजर देखते हुए ये हमने देखा कि उस टाइम पे हम ये सोच रहे थे कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें, और फिर जब हमको ये पता लगा कि ये बहुत अच्छा इनके लिए कार्रवाई हो सकता है, तो इसलिए इनको हमने नैट ट्रिप के द्वारा हमने इनको ये सर्टिफिकेट दिया और फिर अभी ड्राइविंग पूरा उनको मदद करते हुए ड्राइविंग का ट्रेनिंग देते हुए और उनका एग्जाम वगैरह पास होने के बाद उनको लाइसेंस का भी मदद दी। नागालैंड के परिवहन नागरिक उड्डयन और रेलवे विभाग के मंत्री पी पाइवांग कोन्याक ने कल महिलाओं के लिए सिटी पिंक बस और राजधानी शहर दीमापुर के आम लोगों के लिए नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस दीमापुर स्टेशन में सिटी बस को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पाइवांग कोन्याक ने कहा कि महिलाओं के लिए सिटी पिंक बसों को शुरू करने के पीछे उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, साथ ही कोहिमा और दीमापुर में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाना भी है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि विभाग महिला ड्राइवर और कंडक्टर पदों के सृजन के लिए सरकार को पत्र लिखने पर भी विचार कर रही है। In Nagaland, that women are being lynched, women are being raped, molested in the past. There is no such anything like that. Through Naga society, as per the tradition, we are giving this bus to facilitate, to promote women. Sitting with men box together may not be very comfortable for them. So this is one area where we want to give opportunities and facilitate the women so that they come out from the kitchen and go to the shopping and go to the market. Go and meet their folks, go and meet their friends. This will be an easy traveling for them. संगीत नाटक अकादमी ने शिलांग में म्यूजिक ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन किया है। यह म्यूजिक ड्रामा फेस्टिवल उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2017 फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा का ही एक हिस्सा है। इस महोत्सव का आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। देश भर से विभिन्न सांस्कृतिक दल 5 दिवसीय इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। स्कूली छात्र छात्रा भी म्यूजिक ड्रामा फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संगीत नाटक अकेडमी इज अ नेशनल अकेडमी। इट्स बेसिकली द बडिंग टैलेंट्स maybe one state might have two or three good artists. They
actually perform for a week-long festival of dance, drama, theatre. It is in that context that we are holding this festival. And the festival will be up to the 18th of this month. I'm here for Sangeet Natak Academy's Yuva Puraskar, which is happening at Yusosotham Auditorium. And this is my director, Kwasa Thakur Padamse. He got the Yuva Puraskar for theatre. My play, Khatija Bai of Karmali Terrace, which is directed by him. The solo performance, it's an 80 minutes performance where I play Khatija Bai, who's got Alzheimer's. And in her life, she's jumping from one age to another, thinking of what has happened in her life and what has made her this woman who is today. यूं तो सिक्किम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करता आया है, लेकिन पिछले एक दशक से यहां के मानव निर्मित पर्यटन स्थल भी पर्यटकों को आकर्षित करने में पीछे नहीं है। ऐसा ही एक पर्यटन स्थल है दक्षिण सिक्किम के रवांगला स्थित तथागत तसाल या बुद्ध पार्क, जो कि पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बुद्ध पार्क में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिसे 14वें दलाई लामा ने 25 मार्च 2013 को पवित्र किया था। सिक्किम सरकार और लोगों के अथक प्रयास से यहां गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित हुई थी। बुद्ध पार्क में आपको बौद्ध धर्मों के मंत्रों का उच्चारण भी सुनने को मिलेगा।